गाइस आप लोगों याद होगा कुछ टाइम पहले हमारे फ्री फायर के अंदर एक ग्लिच आया था जिसकी मन से बहुत सारे बंदों को फ्री में डायमंड्स मिल रहे थे, लेकिन अफसोस वो ग्लिच बस कुछ ही टाइम के लिए फ्री फायर में था और उससे जितने बंदों ने डायमंड्स लिए थे उनके डायमंड्स फ्री फायर वालों ने वापस ले लिए। लेकिन गाइस क्या होगा अगर मैं आप लोगों से बोलूं अभी के टाइम में हमारे फ्री फायर में ऐसी ट्रिक है जिसकी मन से आप लोग मंथली हजारों डायमंड ले सकते हैं और ये ट्रिक यूज करने से ना तो आपकी आईडी बैन होगी और ना ही आपकी आईडी पे डायमंड का रिस्ट्रिक्शन पड़ेगा। और गाइस हमारे फ्री फायर में जो वेपन रॉयल है उसके अंदर आप लोगों ने स्पिन तो करा होगा, लेकिन वेपन रॉयल में स्पिन करने के लिए आपको या तो डायमंड की जरूरत पड़ती है या फिर वेपन रॉयल वाउचर की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको ये चीज पता है कि एक टाइम पर आप लोग वेपन रॉयल के अंदर गोल्ड से स्पिन मार सकते थे। लिटरली यहां पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस, आप लोग अपने फ्री फायर का गोल्ड या फिर जो कॉइंस होते हैं उसका यूज करके वेपन रॉयल के अंदर स्पिन मार सकते थे। और गाइस अगर आप लोग भी अपने गेम के अंदर अपनी जो गन स्किन्स हैं उसको ऐसा बड़ा करना चाहते हो इसकी ट्रिक भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको फ्री फायर के टॉप 6 ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो तैयार हो जाओ आज की वीडियो देखने के लिए। तो चलो गाइस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है भाई इस पर चप्पल फेंकर मारो फिर कुछ भी फेंकर मारो बस वो जो सब्सक्राइब बटन है वो ग्रे हो जाना चाहिए। और चलो मजाक की बातों को भी साइड में रख के हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 6 गाइस अभी के टाइम में हमारे फ्री फायर में बहुत सारे मैप्स हैं लाइक बरमूडा, कालाहारी, परगेटरी और नेक्स्टर। तो गाइस इतने सारे मैप्स को देखकर आप में से जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने फ्री फायर को अभी अभी खेलना स्टार्ट किया उन लोगों का पूछना था कि फ्री फायर का सबसे पुराना मैप कौन सा है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे फ्री फायर में सबसे पहले मैप कौन सा आया और सबसे लास्ट में कौन सा आया। तो गाइस हमारे फ्री फायर का जो फर्स्ट मैप है वो हमारा बरमूडा मैप जो कि तब आया था जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था मतलब कि 23 अगस्त 2017। इसके लगभग 9 महीने बाद आया था हमारा फ्री फायर का सेकंड मैप जो कि हमारा परगेटरी मैप जो कि लॉन्च हुआ था 20 मई 2018 को। इस परगेटरी मैप के लॉन्च होने के लगभग 1.5 साल बाद आया हमारे फ्री फायर का थर्ड मैप जो कि हमारा कालाहारी मैप था जो कि लॉन्च हुआ था 28 फरवरी 2020 में। इसके बाद में हमारे फ्री फायर में कुछ मैप्स लॉन्च हुए थे लाइक बरमूडा 2.0 और बरमूडा मैक्स, लेकिन वो हमारे गेम में नहीं है तो अभी हम लोग उसे काउंट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में गाइस आता है हमारा फ्री फायर का फोर्थ मैप जो कि नेक्स्टेरा। तो गाइस ये मैप लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 2022। तो गाइस आप लोग बताना कि आपको ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पहले से पता था। फैक्ट नंबर 5 तो गाइस ये वीडियो तो आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा होगा जहां पर एक बंदा फ्री फायर के अंदर अपनी जो गन स्किन होता है उसको कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा कर देता है। गाइस मेरे पास सच में इतने दिन से कमेंट आ रहे थे कि भाई ये वाले ग्लिच के बारे में बता दो, ये वाले ट्रिक के बारे में बता दो। यार मैंने सोचा तो था इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को इतने सारे कमेंट आ रहे थे तो मुझे वीडियो बनानी पड़ी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गाइस ये कोई भी ग्लिच या फिर ट्रिक नहीं है, गाइस ये फ्री फायर की ग्लिच फाइल है जिसको आप लोग प्लीज कहीं से भी डाउनलोड मत करना और यूज तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि हमारे इंडियन सर्वर में ग्लिच फाइल यूज करने से आईडी बैन हो सकती है। और मैं आपको बता दूं गाइस ये वीडियो मीना सर्वर की है और मीना सर्वर के अंदर ग्लिच यूज करना अलाउड है, मतलब कि अगर आप लोग मीना सर्वर के अंदर ग्लिच फाइल यूज करोगे तो आपकी आईडी बैन नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को देखकर आप लोग ऐसा मत सोचना कि अगर ये बंदा यूज कर सकता है तो मैं भी यूज कर लूं। यार जितने भी बंदे ये वीडियो बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया या फिर पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप लोग इस ग्लिच फाइल या फिर किसी भी और ग्लिच फाइल का यूज मत करो। चलो फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूं हमारा फैक्ट नंबर 4 गाइस अभी के टाइम में हमारे फ्री फायर में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है टोटल गेमिंग, जिनके चैनल पर अभी के टाइम में 35 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोगों ने कभी ये चीज सोची है कि हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स, 1,00,000 सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किसने करे? मैं जानता हूं अभी आपको लग रहा होगा भाई टोटल गेमिंग के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो उन्होंने सबसे पहले 10,000, 1,00,000 और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करे होंगे, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। टोटल गेमिंग ने सबसे पहले 1 मिलियन और 1,00,000 सब्सक्राइबर्स नहीं करे। तो गाइस जिस यूट्यूबर ने सबसे पहले हमारे फ्री फायर के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स करे थे तो उसका नाम है ज्ञान गेमिंग, और जिस बंदे ने सबसे पहले फ्री फायर कम्युनिटी में 1,00,000 सब्सक्राइबर्स करे थे उसका नाम भी है ज्ञान गेमिंग, क्योंकि ज्ञान गेमिंग हमारे फ्री फायर का एक बहुत ही पुराना यूट्यूबर है। इसके बाद में गाइस बात किया थी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, तो गाइस जिस यूट्यूबर ने सबसे पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे थे तो उसका नाम है टू साइड गेमर। तो गाइस 1 मिलियन के बाद में बार आती है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, तो गाइस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो ऑब्वियसली सबसे पहले कंप्लीट करे थे टोटल गेमिंग, और 10 मिलियन के बाद में 20 मिलियन और 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो किसी और फ्री फायर यूट्यूबर ने करे ही नहीं है, तो इसमें भी टोटल गेमिंग ही फर्स्ट है। फैक्ट नंबर 3 गाइस आप में से जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं जो कि फ्री फायर को कम से कम 3 साल पहले से खेल रहे हैं उनको ये चीज याद होगी, पहले फ्री फायर के अंदर जब भी कोई न्यू कैरेक्टर आता था तो गाइस हम लोग उसको ट्राई करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, और उस टाइम में जब भी कोई न्यू कैरेक्टर फ्री फायर के अंदर आता था तो उसकी डिमांड भी बहुत ही ज्यादा हाई होती थी। लेकिन अगर अभी टाइम में आप लोग फ्री फायर की सिचुएशन देखो तो गाइस फ्री फायर के अंदर कौन सा न्यू कैरेक्टर आता है, कौन सा कैरेक्टर चला जाता है, ये चीज किसी को भी नहीं पता होती है, और न्यू कैरेक्टर्स को ट्राई करने के लिए ज्यादातर प्लेयर्स एक्साइटेड भी नहीं रहते। तो क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि फ्री फायर के सभी प्लेयर्स का कैरेक्टर में से इंटरेस्ट उठ गया? तो गाइस ये चीज स्टार्ट होती है जब हमारे फ्री फायर के अंदर डीजे आलोक कैरेक्टर आया था। तो गाइस जिस टाइम पर आलोक कैरेक्टर हमारे गेम के अंदर आया था उस टाइम पर आलोक कैरेक्टर पूरे गेम का सबसे बेस्ट कैरेक्टर था, और उस टाइम पर कोई भी कैरेक्टर डीजे आलोक जितना पावरफुल या उतना फेमस नहीं था। गाइस यही चीज देखते हुए फ्री फायर ने कुछ और कैरेक्टर्स लॉन्च करे लाइक क्रोनो और स्काइलर जो कि डीजे आलोक के टक्कर के थे। आलोक जितने पावरफुल कैरेक्टर बनाने के लिए फ्री फायर वालों ने फ्री फायर के 3 ऐसे कैरेक्टर्स बना दिए जो कि पूरे गेम को इंबैलेंस करके रख दिए। अब इन कैरेक्टर्स की वजह से हमारे गेम के अंदर जो इंबैलेंस हो रहा था तो उसी को बैलेंस करने के लिए फ्री फायर वालों ने हर हफ्ते हर महीने न्यू कैरेक्टर्स दिए। अब आप लोग खुद सोचो भाई पहले फ्री फायर के अंदर 4-5 महीने में बस एक कैरेक्टर आता था और अभी ये टाइम हर महीने आपको फ्री फायर के अंदर एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो गाइस इसी की वजह से सभी प्लेयर्स का जो इंटरेस्ट है वो कैरेक्टर्स में से खत्म हो गया। चलो इसके बाद में हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं आपको बताता हूं हमारा फैक्ट नंबर 2 गाइस हमारे फ्री फायर के अंदर ये जो वेपन रॉयल है उसके अंदर आप लोगों
आपने स्पिन तो किया होगा। सो गाइस वेपन रॉयल के अंदर आपको डायमंड से स्पिन करना पड़ता है जिसके बदले में आपको गन स्किन्स मिलती है। हालांकि वो बात अलग है, 100 स्पिन करने के बाद भाई एक ग्रैंड प्राइस मिलता है। लेकिन कुछ भी हो, इस वेपन रॉयल के अंदर आपको डायमंड रॉयल या फिर वेपन रॉयल वाउचर से स्पिन करना पड़ता है। लेकिन गाइस क्या आपको ये चीज पता है, एक टाइम पर मीना सर्वर और हमारे इंडियन सर्वर के अंदर एक ऐसा ग्लिच हुआ जिसकी वजह से हमारे वेपन रॉयल के अंदर जितने भी हम लोग स्पिन है वो गोल्ड से कर पा रहे थे। और गाइस ये चीज बस दिखाने के लिए नहीं थी, सच में हम लोग अपने गोल्ड का यूज करके इसके अंदर स्पिन कर सकते थे और अपनी गन स्किन्स ले सकते थे। वैसे ये जो ग्लिच था वो फ्री फायर के अंदर बस 2-3 घंटे तक रहा था। तो भाई उस टाइम तक जितने भी बंदों ने इसके अंदर स्पिन कर लिया, बस उन्हीं बंदों को ये गन स्किन्स या फिर इसके अंदर जो भी प्राइस है वो मिल गए। और हाँ, जितने बंदों को लग रहा है ये कोई एडिटिंग है तो उनको मैं दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पर ये बंदा स्पिन भी कर रहा है और बंदे गोल्ड कम होने के बदले में इस बंदे को गन स्किन्स मिल रही है। गाइस ये जो ग्लिच है ना वो मीना सर्वर के साथ साथ हमारे इंडियन सर्वर के अंदर भी हुआ था, जहाँ पर गोल्ड रॉयल के अंदर हमें गन स्किन्स मिल रही थी। तो आप लोग बताना आप में से कितने बंदों ने ये वाला ग्लिच यूज करके अपने आईडी के अंदर गन स्किन्स निकाले थे। चलो गाइस इसके बाद में फाइनली हम लोग बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 की, जिसका आप लोग स्टार्टिंग से वेट कर रहे हो, जो कि हमारा डायमंड ग्लिच या फिर न्यू डायमंड ट्री, जिसकी मदद से आप लोग महीने के हजारों डायमंड ले सकते हो और आपकी आईडी पे ना तो रिस्ट्रिक्शन पड़ेगा ना ही आपकी आईडी बैन होगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ट्रिक बस उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी जो कि फ्री फायर को एंड्रॉइड फोन के अंदर खेलते हैं। जितने भी बंदे एंड्रॉइड फोन के अंदर खेलते हैं आज खुश हो जाओ, क्योंकि आज आपके लिए फाइनली कुछ ऐसी चीज आ चुकी है जो कि आईफोन में नहीं होती है लेकिन आपके लिए। चलो ये ट्रिक मैं आपको बता ही देता हूं। तो गाइस आपके फोन के अंदर प्ले स्टोर तो होगा। गाइस प्ले स्टोर के अंदर आपको अपनी गूगल की वो आईडी लॉग इन करनी है जिससे आप लोग फ्री फायर में टॉप अप करते हो या फिर किसी और गेम के अंदर टॉप अप करते हो। तो गाइस वो वाला अकाउंट लॉग इन करने के बाद आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है और लोगो पर क्लिक करने के बाद प्ले पॉइंट्स पर क्लिक करना है। तो गाइस यही वो चीज है जहां से आप लोग फ्री में डायमंड्स ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर प्रूफ देख लो भाई, 5 रुपए का रिडीम कोड है, 10 रुपए का रिडीम कोड है और 250 रुपीज तक का रिडीम कोड है कि आपको प्ले पॉइंट्स के बदले मिलता है। और गाइस ये प्ले पॉइंट आप लोग बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। और गाइस यहां पर आप लोग देख भी सकते हो, स्टिकी मंथ से मैंने 25 रुपीज और 50 रुपीज तक का रिडीम कोड लिया भी है। गाइस ये जो पॉइंट्स है वो आप लोग बहुत तरीके से कमा सकते हो। लाइक अगर आप लोग किसी भी गेम के अंदर कोई भी परचेस करते हो तब आपको गूगल प्ले के पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी गेम के अंदर कुछ परचेस नहीं करते हो तब आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पर आपको अर्न वाले सेक्शन में आ जाना है। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्स मिलेंगे जिसको बस आपको डाउनलोड करके एक दिन के लिए रखना है। गाइस ऐसा करने से आपको एक ऐप के बदले में 10 पॉइंट्स मिलेंगे। गाइस ऐसी करके आप लोग एक दिन के अंदर यहाँ पर 45 पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। मैं जानता हूँ ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट करने में आपको थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन यार एकदम जेन्युइन प्ले स्टोर है तो यहाँ पर आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। गाइस इस ट्रिक का यूज आप लोग मेनली एयरड्रॉप्स परचेस करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि एयरड्रॉप तो मुश्किल से 10 और 30 रुपए का होता है, तो उतने तो आप लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। गाइस अभी टाइम में फ्री फायर में बस एक यही ट्रिक है जिससे आप लोग बिल्कुल फ्री में डायमंड ले सकते हो। चलो गाइस आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।